ओडिशा ओडिशा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी उड़ीसा का वरदान भी है और शाप भी। ये बाढ़ के लिए बदनाम है। महानदी के किनारे पुराना शहर कटक उड़ीसा का खास तिजारती केंद्र है। महानदी ऊपर के भाग से लट्ठे बहाकर लाती है। कश्तियां दूसरे सामान के अलावा यहाँ की महत्वपूर्ण रोकड़ फसल जूट लाद कर ले जाती है। कटक के पास ही ललित गिरी गुफाएं, यहाँ सदियों तक बौद्ध भिक्षु रहते रहे। ईसा पूर्व की तीसरी सदी में सम्राट अशोक ने उड़ीसा पर चढ़ाई की थी। कलिंग युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए, हजारों बीमारी और महामारी के शिकार बने। युद्ध का नतीजा इतना भयंकर था कि अशोक हिंसा त्याग कर बुद्ध के उपदेशों पर चलने लगा। भारतीय इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। कला के संसार में एक नया युग आया, महान बौद्ध युग। मूर्तिकारी के अलावा उड़ीसा चांदी के काम के लिए बहुत मशहूर है। उड़ीसा के सोनार हमारे देश में चोटी के माने जाते हैं और देश भर में उनके काम की तारीफ होती है। लेकिन वे निर्धन प्रदेश के निर्धन लोग हैं। इन्हें अपनी सुंदर कलापूर्ण चीजों के बहुत कम दाम मिलते हैं। समय बदल रहा है और अब कारीगरों की नई पीढ़ी अपने छोटे दायरे के बाहर आकर ज्ञान के खुले संसार में सांस ले सकती है। उड़ीसा में शिक्षण संस्थाएं तेजी से विकास कर रही है। खेतीबाड़ी का भी विकास हो रहा है। सकाळा घटारे तुमे शनि राजा शासन करो चबसी तुमारी दया रे प्रतिटी अंतरे आनंद जाए बरसी सब बेले थाओ तुम्हारी परस मुछार मणिष पड़िले पाऊस उद्धार कर हे मते उद्धार कर ग्रह राजस निश्चर ग्रह राजस निश्चर हे सूर्य पुत्र हे छाया सूत